घर में कहीं आपने तो नहीं लगा रखी है गलत जगह घड़ी, क्योंकि ये घड़ी 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 आपके डेस्टिनी के साथ खेल सकती है, आपके दुर्भाग्य को ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो कहीं ये घड़ी बिगाड़ न दे आपके भाग्य की घड़ी। घर में कुछ एक ऐसी डायरेक्शंस हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं, और घड़ी कैसी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, घड़ी का वास्तु आज का विषय, घड़ी का वास्तु आपकी वॉल क्लॉक। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई हर चीज, हर वस्तु घर को और उसमें रहने वाले लोगों को इफेक्ट देती है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसका वास्तु से कनेक्शन ना हो। दीवार पर लगी हुई घड़ी भी उनमें से एक है। घड़ी आपके लिए तरक्की के रास्ते भी खोलती है, क्योंकि वो आपको समय बताती है और आपका समय अच्छा या बुरा बना देती है। और इसके विरुद्ध अगर आपके घर में गलत जगह घड़ी लगी हुई है तो लगातार नुकसान और बुरे समय का कारण भी बन सकती है। घड़ी से जुड़ी वास्तु की कुछ आसान बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको छोटे छोटे से आप चेंज करके अपने बुरे टाइम को ख़त्म कर सकते हैं और बदल सकते हैं अपनी किस्मत को वास्तु के ज़रिए। कभी घर में टूटी या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। बंद और टूटी फूटी घड़ियों को रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, और जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है तो आपके साथ में नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं। इसी के कारण घर में बंद पड़ी हुई टूटी फूटी घड़ी नहीं रखनी चाहिए। कभी भी ना लगाएं घर की साउथ वॉल पर घड़ी। साउथ वॉल, साउथ डायरेक्शन को यम की डायरेक्शन कहा गया। घर में दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से यम अपना समय दिखाने लगता है, इसलिए यमराज के डायरेक्शन में घड़ी कभी ना लगाएं। साथ ही हमेशा ठहराव कर देती है जीवन में, क्योंकि मृत्यु के बाद शांति हो जाती है, तो इसलिए आपके जीवन में तरक्की डाउन हो जाएगी। कभी भी साउथ डायरेक्शन में घड़ी ना लगाएं, इसे लगाने से बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी तरक्की रुक जाती है। इस डायरेक्शन में घड़ी लगाना यानी कि प्रगति के मार्ग में रोड़े पैदा कर देना है। साथ ही यह दिशा घर के मुखिया के लिए, घर के हेड के लिए हानिकारक होती है। इस दिशा में घड़ी लगाना मुखिया की हेल्थ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला देता है। दूसरी जगह जहाँ घड़ी नहीं लगानी चाहिए, घर के दरवाजे पर भी कभी घड़ी ना लगाएं। घर के मेन गेट या दरवाजे के ऊपर अक्सर लोग घड़ी लगा देते हैं, जिसे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करना तनाव को बढ़ा देता है, क्योंकि आपके घर का मेन गेट कभी खुलता है कभी बंद होता है। जब वो बंद होगा आपका समय बंद हो जाएगा। इससे घर के बाहर आते समय कई तरह के नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव आप पर पड़ता है, क्योंकि घड़ी हमेशा अपने पीछे वाले साइड पर अपना ओरिजिनल निशान देती है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। चलिए अब आपको बताते हैं किस डायरेक्शन में आप घड़ी लगाएं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन सी एक और डायरेक्शन है जहाँ घड़ी नहीं लगानी चाहिए। घर की पश्चिम दिशा पर भी कभी घड़ी नहीं लगाना सकते। उसका कारण यह है कि जिस प्रकार से सूर्य डूबता है पश्चिम में, आपका समय भी डूब जाता है पश्चिम, और साथ ब साथ के अंदर जो मैरिड कपल्स हैं उनका समय भी खराब हो जाता है पश्चिम दिशा के अंदर घड़ी लगाने से, क्योंकि समय को काल कहा गया है और पश्चिम दिशा काल की दिशा है, यम की नहीं काल की। इसलिए इस डायरेक्शन में कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से डायरेक्शन में आप घड़ी लगाएं। में जो घड़ी लगी हुई है उसे पूर्व डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए, या उसे उत्तर पूर्व में लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में लगाई गई घड़ी घर का वातावरण शुभ और प्यार वाला बनाती है। उत्तर दिशा में लगाई हुई घड़ी घर में जितने भी सदस्य हैं उनको नए अवसर प्रदान करती है प्रगति की। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाई हुई घड़ी घर में पैसों के नुकसान को बचाती है। कोशिश कीजिए कभी भी चौकोर घड़ियों को ना लगाएं, हमेशा गोल या ओवल घड़ियों को लगाएं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो भी गोल है और जो समय घूमता है वो भी गोल है। काले रंग के डायल वाली, काले बेस वाली घड़ियां ना लगाएं। घड़ियां लाल, गोल्डन और पीले रंग की लगाएं या वाइट कलर की आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ के अंदर जिन घड़ियों पर बहुत ज़्यादा नुकीले क्वांटस बने हुए होते हैं वो भी ना लगाएं। कोशिश करें घड़ियां सौम्य हों, उनकी आवाज़ में कर्कशता ना हो बैल में, हमेशा मीठा सुने और मीठा बोले। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है किसी के जीवन से दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाकर।
सुख समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है। इतना बड़ा काम करता है, कितने बड़े पुण्य का काम करता है एक शेयर, इसलिए शेयर जरूर करें।